ओडिशा का हूँ। स्वर्ग है भातो, हर तरफ पानी पानी, हवा की बड़ी कृपा है तुम सबों। हाँ कुछ ज्यादा ही है। एक लड़का कह रहो कि साल में दो ही मौसम हो गए, गर्मी और सर्दी। बरसात को कहाँ गो? मौसम बरसात को साल में बस दो चार दिन ही पड़ते। सही कही उसने, हमारे बुक में तो चार मौसम लिखे है। पहले होते तो अब काहे नहीं। हमारे जमाने में चार अलग अलग दिशन से खुशबू लेके आते वो। अबे ना जाने का हो गया उसको, जैसे बीमार हो गई हो। मित्रों सॉरी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, मैं और आप देख रहे हैं सिनेस्तान। रोलिंग 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 रोलिंग। एक्शन क्या, क्वेश्चन पूछो भाई। एक्शन के लिए पैसे लगते हैं, चेक साइनिंग अमाउंट। फिल्म कड़वी हवा, हमारी फिल्म, संजय भाई एक बूढ़े अंधे किसान का रोल कर रहे हैं जो कि एक ड्राउट हिट रीजन में लोन्स के तले दबे हुए हैं, और उसी गांव में एक बहुत ही रूथलेस और रिलेंटलेस लोन रिकवरी एजेंट आता है, और फिर इन दोनों के बीच में कैसे एक वो बनता है, लेकिन फिर वो यूं हो जाता है, फिर उसके बाद यूं हो जाता है। इसके लिए फिल्म देखी। मैं इसी के लिए पैसे लेता हूँ कि बहुत नहीं लेता हूँ, लेकिन जितना भी लेता हूँ इसी के लिए लेता हूँ कि कैसे मैं उसमें घुस पाऊँ। टफ था, मुश्किल था, क्योंकि उस तरह की ज़िंदगी हमने कभी जी नहीं है, और लेकिन एक दो दिन में, एक दो क्रिकेट के बॉल खेलने के बाद, मतलब एक दो शॉट होने के बाद मुझे लगने लगा, दो दिन बाद डायरेक्टर भी ने भी कहा कि यू आर लुक लाइक अ हीरो जो कैरेक्टर है, और मैं बहुत वैसे स्कूल का एक्टर नहीं हूँ कि आई डिड दिस, कि मैं पागल खाने में रहा, मैं 15 दिन वहाँ रहा, सवाल होता है रहे कौन रहा। मैं कोई एक पांडा साहब ने मुझे कहा कि आपको कुछ ब्लाइंड मैन के साथ रहना होगा, मैंने कहा मैं, और एक दो फिल्म दी मुझे कि ये देखिएगा आप, मुझे लगा मैं अगर वो देख लूँगा तो फिर मेरा कुछ अपना नहीं रहेगा, और जो अंधे बंदे के साथ मैं रहा उससे मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि मैं जब जागता हूँ तो मुझे सिर्फ लाइट दिखती है, सूरज दिखता है, आप जब जागते हैं तो क्या होता है? उसने कहा साउंड, बस के साउंड आने शुरू हो जाते हैं, दूध वाले लोगों के टन टन होने लगते हैं, कॉल बिल बजने लगता है, ये सब होता है, तो आई नो कि अब सुबह हो गई, और वही मेरा ट्रिगर पॉइंट था कि मैं सिर्फ साउंड को खेलते हुए ब्लाइंड मैन का कुछ किया। नहीं, आपने सही कहा, बहुत ही डिफ़िकल्ट शूट था, हमने धौलपुर में फिल्म शूट की, धौलपुर जिसको कि भारत की सबसे गर्म जगह माना जाता है, हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, और वो भी हमने समर के पीक में, गर्मियों के पीक में, वहाँ जून जुलाई में वहाँ शूट किया। सो वी वर शूटिंग इन 48-50 degrees, बहुत बुरा हाल था। हम हमारे साहब को कहते भी थे कि ये फिल्म आप इजीली विंटर में भी शूट कर सकते थे, तो आपको तो उनका यही कहना होता था, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू, बट वो कहते थे कि नहीं, गर्मी जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक हम, यू नो, वी विल नॉट, एक्सट्रीम क्लाइमेट जब तक फील नहीं करेंगे ये फिल्म का मैसेज हम लोग नहीं दे पाएंगे, जो कि बात मुझे इन हाइंडसाइट सही भी लगती है। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट शूट, बट जैसे कि टीम अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो ये चीज़ें आदमी, यू नो, यू कैन टेक देम इन योर स्ट्राइड। मैं USP ये फिल्म की यही समझता हूँ कि ये एक बहुत छोटी सी कहानी, दो लोगों की जो कहानी है बहुत बड़ी बात कह जाती है, फिल्म की USP यही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस फिल्म की USP ऐसे सब्जेक्ट पे वर्ल्ड में कभी कोई फिल्म नहीं बनी, क्लाइमेट चेंज, जबकि अमेरिका वगैरह ने हाथ झाड़ लिया अपने, तब हमने ये फिल्म बनाई है क्लाइमेट चेंज, तो इस को प्लीज़ एज ए इंडियन आपको सपोर्ट करना चाहिए कि आपके देश से एक बंदा जिसका नाम नीला माधव पांडा है, वो एक ऐसी फिल्म बना रहा है जो क्लाइमेट चेंज पे किसी देश ने एक फिक्शन नहीं बनाई। डॉक्यूमेंट्रीज अलग चीज़ है,
तो कृपया इसको सपोर्ट करें ताकि वर्ल्ड को लगे कि यस इंडिया इज थिंकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट. दिल्ली में नॉक कर चुका है वो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर इंडियंस एंड गवर्नमेंट के लिए भी. इंडियन गवर्नमेंट को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए कि इस तरह के सब्जेक्ट पे पहली बार कोई फिल्म वर्ल्ड में बनी. मेरी राय यही है कि जो भारत है, भारतवर्ष जो है, वो एक बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ का बना हुआ मुल्क है. और हमारी सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि हमारी डाइवर्सिटी वो है जो यूरोप की नहीं है और हम एक मुल्क हैं. सो दिस इज़ आर स्ट्रेंथ शुरू से ये. और ये मैं कोई 1947 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ. हमारी स्ट्रेंथ शुरू से इस लैंड की यही रही है, हमारी डाइवर्सिटी. और इस ऐसे मुल्क में अगर किसी कम्युनिटी के नाम पे कुछ लोग गुंडागर्दी, मारकूट, जलाना, धमकाना, कहना कि भारत जलेगा अगर एक पिक्चर लग जाएगी, तो ऐसी स्टेटमेंट्स देना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ उनका परम धर्म है कि ऐसे लोगों को जेल में जल्द से जल्द बंद किया जाए. कैरेक्टर जो भी होगा वो मुझे ही लेके होगा, क्योंकि अगर ये वो कैरेक्टर कर रहा है तो रणवीर ही होगा वो. मैं भी संजय मिश्रा ही होऊंगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संजय मिश्रा से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब अगर संजय मिश्रा इस तरह के सिचुएशन में होता कि वो एक भूतपूर्व किसान रह गया है, बारिश नहीं हो रही है तो किसान का काम भी नहीं हो रहा है, ऊपर से अंधा है, तो मैं अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे ही करता. ऐसे संजय मिश्रा मैं ऐसे ही करता. मेरे पॉजेज हेड़ू के तरह, या वो संजय मिश्रा के ही पॉजेज होते. आंखों देखी में एक कैरेक्टर होता है जो कहता है कि जो मैं देखूंगा उसी को यकीन करूंगा. और यहाँ एक कैरेक्टर है जो देख नहीं पा रहा है लेकिन वो यकीन कर रहा है इस बदलाव को, इस क्लाइमेट के चेंज को, और उससे मतलब निकली हुई सारी प्रॉब्लम्स को. तो एज ए संजय मिश्रा जो मैं हूँ, मैं उसमें आ गया. Well, like I had plenty of help because I had a Uriya accent and dialect coach. We had workshops. He was there on set. Madhab da himself, our director, is Uriya. So I had a lot of help. As for the belonging to that segment of society, lot of those things, I mean, are accessible to me. I have met people like this. I have hung out with people like this. I've had chai with people like this. So it is an accessible, I have seen these places, I have met these people. So I am not, an NRI that I've never hung out here. I've been to the village Kheda of this country many times over. So you draw from your references and old experiences. Difference hota hai, but as an actor, aap actor hote ho. आपको सिर्फ बोला जाता है कि आज तुझे T20 खेलना, गो फॉर दैट एंड T20 थोड़ा बन चाहिए आपको T20 हो गया. फिर मुझे कहा जाता है नहीं, अब ये टेस्ट मैच है, इसमें कि बहुत लंबे समय तक आपको पिच पे रहना है जो आपकी टीम के लिए बेहतर होगा, तो वो टेस्ट मैच हो जाता है. एक्टर तो मैं वही, सिर्फ एक अप्रोच बदल जाता है कि आई डोंट नीड रन, मुझे एक यहाँ पे रहना है टेस्ट मैच का, और गोलमाल और धमाल और बादशाह. हीरो बनने आए हो तो पता नहीं, कोई दूसरा रास्ता देखो. एक्टर बनने आए हो तो यू शुड. और मैं बहुत ऊपर वाले का बहुत मेरे ऊपर ये है कि आप आते ही यहाँ हो, एक्टर आया करो, नाम है उसका ये, तो अब तक मैं कहीं और हो रहा होता, अभी रिटायर्ड जिंदगी जी रहा होता. लेकिन एक एक स्टेप पे आपको खुद को प्रूफ करना है कि यस आई एम दिस एंड दिस, ओके ओके. और अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि मुझे किसी ने नहीं बनाया. मैं इस फिल्म से लेके इस फिल्म तक मैं अपना काम, उससे मेरी रोजी रोटी भी चल रही थी, और एक रिहर्सल भी था, एक एक्सपीरियंस भी था, और अब
लोगों को लग रहा है कि हाँ ये टेस्ट मैच का प्लेयर है, इसके ऊपर दिया जा सकता है कि 5 दिन का ये गेम खेल सकता है। तो वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प रहा है कि मैं हर तरह के सिनेमा से रिलेटेड रहा हूँ एक्टिंग से। पहले ही दिन आकर के सीधा वाओ क्या आ गया दिल से टाउन कुछ कुछ होता है ये नहीं, वो होता होता तो कहीं और होता। Thanks for tuning in. I am Ranvir Shorey and you're watching Sinistan.com.